सो हे गाइस, खबरी बॉय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज मेरे पास है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी एंड अदर सोशल मीडिया नेटवर्क से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज। तो भाई लोगों, वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। और हाँ गाइस, आप आगे भी इसी तरह से अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं विक्रम बेदा के बारे में। तो गाइस, विक्रम बेदा को लेकर ध्रुव राठी अपने ट्विटर अकाउंट पर कहे, सर विक्रम बेदा लास्ट नाइट नॉर्मली आई डोंट लाइक मास एंटरटेनर फिल्म्स बट दिस वन नॉट ओनली हैज अमेजिंग सिनेमेटोग्राफी एक्शन परफेक्ट स्टोरी लाइन बट ऑल्सो अ पॉजिटिव मैसेज विच मेक्स पीपल थिंक इट रियली डिजर्व मोर सक्सेस। गाइस, अगली न्यूज भी विक्रम बेदा से ही रिलेटेड है। तो गाइस, तरण आदर्श अपने ट्वीट में कहे, हैशटैग वन वर्ड रिव्यू, हैशटैग विक्रम बेदा, ट्रैफिक रेटिंग 4 स्टार, एंगेजिंग, इंग्रोसिंग, इंटरटेनिंग, स्मार्टली रिटन द ब्रिलियंट एग्जीक्यूटेड, हैशटैग विक्रम बेदा है, इज इट ऑल स्टाइल सब्सटेंस सस्पेंस, हैशटैग ऋतिक रोशन एंड हैशटैग सैफ अली खान आर strongly recommended hashtag Vikram Beda review। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं अगली न्यूज के बारे में, जो कि रिलेटेड है थाराभाई जोगिंदर से। तो गाइस, आप लोग जानते ही हो थाराभाई जोगिंदर का ड्रीम था बिग बॉस 16 में जाने का एज अ कंटेस्टेंट, बट उनका वो ड्रीम इस बार पूरा नहीं हो पाया। इसके रिगार्डिंग वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट किए जिसमें वो ये कहे, आप पहले वो स्टोरी देख लीजिएगा। मतलब यार यही देखना बाकी रह गया था क्या बिग बॉस के अंदर? मेरे को तो लगता था बिग बॉस के अंदर शेरों की एंट्री होती है, पर यहाँ पर तो आइला पाइला आ रहे हैं मच्छर। जिस दिन शेर की एंट्री होगी यार पार होगी, याद रखना इस वाली बात को। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, दीपक कलाल बेटा सही खेल गया, माँ कसम फाड़ेगा सिस्टम एक दिन हम भी। उस दिन हमारा गेम होगा और हमारा नेम होगा, जगह तेरी होगी धाक मेरी होगी, याद रखना। गाइज, अगली न्यूज भी कैरी मिनाटी एंड जोगिंदर से ही रिलेटेड है। तो गाइज, कैरी मिनाटी को लेकर जोगिंदर की माँ का क्या कहना है, जोगिंदर इस चीज को शेयर किए, आपको इस चीज को जरूर जरूर देखना चाहिए। एक चीज देखना, तुम्हारी आंटी क्या कर रही है स्टूडियो के अंदर? ओ मम्मी क्या देख रही हो? गेम देख रही हूँ। आप जानती हो इसको कौन है? जानती हूँ। कौन है? कैरी मिनाटी। मम्मी आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ था? पता है क्या होगा, यो भी बेटा तू भी बेटा, ऐसे तो चलती रहे। चलो कोई ना भाई, मेरी मम्मी को देखो, मालिक बन चुकी है मम्मी। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, गेम गेम खेलना सीखोगी भाई? देख लो तुम्हारी आंटी देखो कैसे स्टूडियो के अंदर बैठ के सुबह सुबह गेम देख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं अगली न्यूज के बारे में, जो कि रिलेटेड है यश रॉकी भाई से। तो गाइज, यश अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किए जिसके टाइटल में वो ये कहे, देयर इज ऑलवेज अ वे टू रीच द टारगेट, द चैलेंज इज टू स्पॉट इट, थैंक यू माय मैन जे जे पेरी, व्हाट अ फैंटास्टिक डे, नेक्स्ट टाइम इट्स गोट अ बी कलाश निकाल। आप पहले वो रॉकी भाई की क्लिप देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट एमसी स्टैंड के बारे में। तो गाइस, बिग बॉस 16 में एमसी स्टैंड भी देखने को मिलेंगे। सलमान खान एमसी स्टैंड के बारे में क्या बोले, आप पहले वो देख लीजिएगा। तो गाइस, अगली न्यूज फिजिक्स वाला अलख पांडे से रिलेटेड है। तो गाइस, फिजिक्स वाला इंस्टाग्राम अकाउंट को इंस्टाग्राम अकाउंट ने डिसेबल कर दिया है। इस चीज से रिलेटेड अलख पांडे अपने ट्विटर पर कहे, अगर आप इसको रीड करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको शॉर्ट वे में समझा देता हूँ। फिजिक्स वाला इंस्टाग्राम अकाउंट ने कुछ टर्म एंड कंडीशन का फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से इंस्टाग्राम ने उनके अकाउंट को डिसेबल कर दिया। इस ट्वीट से तो यही पता चलता है, मे बी इन फ्यूचर अलख पांडे कुछ इन्फॉर्म करते हैं, देन मैं आपको बता दूंगा। गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर लो एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गाइस, देख रहे हो 98% ऑडियंस विदाउट सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देख रही है। गाइस, ये चीज देखकर बहुत बुरा लगता है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। लास्ट में अपनी एक ही लाइन रहेगी हमेशा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।